दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा देगी अभिमन्यु को तगड़ा झटका। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है अभिमन्यु और अक्षरा दोनों ही अब बिरला हाउस में हंगामा करते नजर आएंगे। अभिमन्यु को बहुत बुरी तरह से अक्षरा भड़कते नजर आएगी कि तुमने अपना असली चेहरा दिखाई दिया ना, मैंने जिस अभिमन्यु को मैं जानती थी वो तो ऐसा नहीं था, ईगो में आकर तुमने जो घटिया हरकत की है ना उसके बाद तुम क्या एक्सप्लेनेशन दोगे मिस्टर अभिमन्यु बिरला। दूसरी तरफ यहाँ पर दादी बहुत बुरी तरह से भड़की हुई पहुंचती है बिरला हाउस और अभिमन्यु जब ये सवाल करता है कि तुम्हारा प्यार क्या है, तुमने क्या साबित कर दिया, हमारे दोनों के प्यार से भागकर तुमने कौन सी बहादुरी कर दी, और यहाँ पर दादी कहती कि आज इसका जवाब मैं देती हूँ। ये जो तुम्हारे फिर से अभिमन्यु बिरला फिर से डॉक्टर लगा पाया ना अपने नाम के आगे, वो अक्षरा की वजह से, क्योंकि उस तुम्हारी सर्जरी के बदले उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और वो तुम्हारी वजह से तुम हमसे दूर हुई है। और रोटक रोना खेरा ने यही शर्त रखी थी कि वो एक साल तक किसी से नहीं मिलेगी और उसके लिए गाना गाएगी उसकी बहन के लिए, जिसके बाद अभिमन्यु के होश उड़ जाते हैं और अभिमन्यु को बहुत पछतावा होता है। लेकिन दूसरी तरफ अक्षरा ठान लेती है कि वो भी अब चुप नहीं बैठेगी और अभिमन्यु की इस घटिया हरकत के बाद अपने भाई को छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। और देखने को मिलेगा कि अभिमन्यु के इस इगोइस्ट स्टेप की वजह से अक्षरा अब इस घरवालों से और अभिमन्यु से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और घर वालों को भी यही लगता है कि इस परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रहना चाहिए, जिसके चलते वे यहाँ पर दादी अब अक्षरा को लेकर चली जाती है और अक्षरा तलाक के पेपर्स भेजते नजर आएगी घर वालों के कहने पर अभिमन्यु को, क्योंकि अब शायद उसे उस घर में नहीं रहना और उस परिवार दोनों परिवारों के लिए यही सही है। जिसके बाद ये अक्षरा यहाँ पर यह जिद भी पकड़ लेती कि वो सबूत तो जरूर कायरो के लिए कोर्ट में लेकर जाएगी जहाँ पर ये इनोसेंट तो उसे प्रूव कर ही देगी, लेकिन अभिमन्यु को वो तलाक भी देगी जिसके बाद अभिमन्यु के होश उड़ जाएंगे।